हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग इस वीडियो में भी हमारा डीप लर्निंग का जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। पहले हमने देखा कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, फिर हमने उसके उसको ट्रेन करने का तरीका देखा। पहले हमने परसेप्ट्रॉन ट्रिक देखा, फिर हमने लॉस फंक्शंस देखे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक क्लैरिटी है कि परसेप्ट्रॉन क्या है और कैसे काम करता है। बट परसेप्ट्रॉन उतना फेमस नहीं हो पाया डीप लर्निंग के लिए। उसका एक रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि परसेप्ट्रॉन लीनियर डेटा के ऊपर ही काम कर सकता है, नॉन लीनियर डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो ये आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको अलग से कुछ कोड्स और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि सच में परसेप्ट्रॉन नॉन लीनियर डेटा के ऊपर काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इसको मैं किसी और वीडियो के साथ नहीं जोड़ना चाहता था, बिकॉज मुझे लगा कि इसको एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह ट्रीट करना चाहिए। दैट इज़ वाई ये 10 मिनट का वीडियो। बट इस वीडियो में आप ये सीखोगे कि सच में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप नॉन लीनियर डेटा देते हो, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, आपके परसेप्ट्रॉन को आप कितना भी टाइम दे दो उस डेटा पे ट्रेन होने का, परसेप्ट्रॉन कभी भी कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, बिकॉज एसेंशियली परसेप्ट्रॉन इज अ लीनियर मॉडल, ठीक है। तो यही हमें इस वीडियो में देखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, परसेप्ट्रॉन में क्या प्रॉब्लम है ये दिखाने के लिए मैंने एक कोड लिखा है और ये कोड आपके स्क्रीन पर है। सो मैंने क्या किया, मैंने तीन अलग डेटा सेट्स क्रिएट किए हैं। उसमें से एक डेटा और डेटा है, एक एंड डेटा है और एक एक्सॉर डेटा है। मैं तीनों डेटा सेट्स के ऊपर परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम रन करूंगा और मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा कि आउटपुट क्या है, ठीक है। तो लेट्स रन द कोड। यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है। इस सेल में हमने तीन नए पैंडास डेटा फ्रेम बनाए और उसके बाद मैंने यहाँ पर बेसिकली डेटा सेट क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने अपना और डेटा क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने अपना एंड डेटा क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने अपना एक्सॉर डेटा क्रिएट किया है। तो मैं जल्दी से ये सारे सेल्स रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। So you can see this is my AND data, ठीक है। इन AND में आपको पता है जब दोनों वन होते हैं तभी आउटपुट वन होता है, बाकी सारे केसेस में आउटपुट जीरो होता है, ठीक है। तीनों डेटा सेट्स में चार चार रोज हैं। अगर आप इसको प्लॉट करो तो ये आपका AND डेटा है, ठीक है। और डेटा में क्या होता है कि अगर कोई भी वन है तो आउटपुट वन होगा, दोनों जीरो होगा तभी आउटपुट जीरो होगा। इसको भी मैंने प्लॉट किया, ये हमारा और डेटा सेट है। और उसके बाद एक्सॉर होता है, जब दोनों सेम होता है तो आउटपुट जीरो होता है और जब दोनों अलग होता है तो आउटपुट वन होता है। ये रहा उसका आउटपुट, दिस इज द ग्राफ। अब मैंने क्या किया, scikit-learn से परसेप्ट्रॉन क्लास को बुलाया और तीन अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, क्लासिफायर वन, क्लासिफायर टू, क्लासिफायर थ्री, तीनों परसेप्ट्रॉन ही है। फिर मैंने तीनों को अलग अलग डेटा सेट दिया, क्लासिफायर वन को मैंने एंड डेटा दिया, क्लासिफायर टू को मैंने और डेटा दिया और क्लासिफायर थ्री को मैंने एक्सॉर डेटा दिया। और उसके बाद ये रहे मेरे आउटपुट्स, कोफिशियंट्स ऑफ क्लासिफायर वन एंड इंटरसेप्ट ऑफ क्लासिफायर वन। और जब मैंने इसको प्लॉट किया तो यू कैन सी कि एंड डेटा के ऊपर मेरा परसेप्ट्रॉन रन किया और उसने ईजिली डिवाइड कर दिया दोनों क्लासेस को क्लियरली, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने क्लासिफायर टू को रन किया था और डेटा पे, तो अगेन यू कैन सी कि एक परसेप्ट्रॉन, एक लाइन ने डेटा सेट को क्लासिफाई कर दिया दोनों क्लासेस में। बट जब मैंने क्लासिफायर थ्री चलाया हमारे एक्सॉर डेटा के ऊपर, मुझे ऐसा कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं मिला। और यही प्रॉब्लम है परसेप्ट्रॉन का, ठीक है। मैंने कई बार आपके सामने ये बोल दिया है कि लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर ही काम कर पाता है, बट मुझे ये आपको प्रैक्टिकली दिखाना था कि सच में अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो कैप्चर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप देखो एक्सॉर डेटा को, आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके दोनों क्लासेस को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे पास एक और बहुत बढ़िया टूल है जिससे मैं आपको एक और डेटा के ऊपर ये सेम चीज रन करके दिखाता हूँ। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्लेग्राउंड, टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड बोलते हैं इसको। दिस इज अ GUI टूल। इस GUI टूल में आप न्यूरल नेटवर्क्स को क्रिएट करके रन कर सकते हो अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको परसेप्ट्रॉन रन करके दिखाऊंगा। सो आई विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डेटा सेट,
ये जो डेटा सेट है ये लीनियरली सेपरेबल है क्योंकि दोनों क्लासेस अलग अलग हैं। यहाँ पे आप अपना न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क है, बट मुझे न्यूरल नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन चाहिए। तो मैं ये हिडन लेयर्स हटा दे रहा हूँ, दिस इज द परसेप्ट्रॉन, ठीक है? और ये दोनों मेरे इनपुट हैं, X1 और X2, ठीक है? यहाँ पे मैं फिलहाल सिग्मॉइड रख ले रहा हूँ और लर्निंग रेट 0.01 कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नॉइस ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है? और अब मैं अगर इस कोड को रन करूँ, यू कैन सी बहुत झट से हमें हमारी लाइन मिल गई और हमारा XOR हमें रिजल्ट दे रहा है, ठीक है? अब व्हाट इफ मैं ये डेटा सेट लूँ। अब अगर आप इस डेटा सेट को देखो तो ये हमारा XOR डेटा सेट है, ठीक है? क्रॉस में ऑरेंज, क्रॉस में ब्लू, ठीक है? ये XOR डेटा है। अब देखना, जब मैं इसके ऊपर रन करूंगा अपने कोड को, कितना भी टाइम आप दे दो, कितने भी ईपॉक्स के लिए आप इस कोड को रन कर लो, हमारा आउटपुट नहीं हमें मिलेगा, हम दोनों क्लासेस को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और एरर बहुत हाई होगा, ठीक है? तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो तो आप प्रैक्टिकली विदाउट राइटिंग अ पीस ऑफ कोड आप चेक कर सकते हो कि परसेप्ट्रॉन की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो ये टूल हम लोग आगे बहुत यूज करेंगे, तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि इस तरह का एक टूल अवेलेबल है, बहुत ही फार टूल है, आगे कई बार इसको यूज करना है हमें, ठीक है? तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई गेस आपको ये चीज विजुअली समझ में आ गई कि परसेप्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई नो कुछ ज्यादा नहीं था, बट आंखों से देखने से क्या होता है ना कि दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, तो मुझे लगा कि बार बार मैंने बस बोला है कि परसेप्ट्रॉन सिर्फ लीनियरिटी कैप्चर कर सकता है, मुझे लगा कि एक बार मुझे आपको चला के दिखाना है सब कुछ, सो दैट आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया स्टैब्लिश हो जाए कि परसेप्ट्रॉन का रियल प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन स्टार्ट करेंगे और चीजें और इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है? सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम लोग यहाँ पर हमारा 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग कोर्स बना रहे हैं और मुझे लगता है अच्छा कोर्स बन रहा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आपको आगे इस तरह का कॉन्टेंट मिलता रहेगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज़ गाइज लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है? चलो बाय।